गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस वाणिक चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं जो मैं यूं बयां कर रहा हूँ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ही तो छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इसलिए कहते हैं उदास होने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, नज़र तो उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से यूं न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे ही तो आपकी दुनिया खड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने मेहनत के साथ इस कंपटीशन के दौर में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपनी मेहनत को साथ ही साथ मेहनत को जारी रखिए। और हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। एक कि हम किसी भी चीज़ों का जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो है वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस करे, और दूसरा कि किसी भी चीज़ों को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप कंटिन्यूस वे में पढ़ें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं और कंटिन्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो मल्टीपल में बढ़ता है। तो चलिए आज की क्लास इसी खूबसूरत लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और हमारा परसेंटेज में ये जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस बेस्ड होगा वो इलेक्शन के बेस पे होगा। तो क्या है हमारा आज का क्लास और किस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गेट 38% वोट्स एंड ही लॉस बाय 7200 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। टोटल वोट की संख्या बताना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्या तरीका होगा? देखिए यहाँ पे कहता है कि दो कैंडिडेट हैं हमारे पास, दो कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली है कि एक हार गया होगा और एक जीत गया होगा, तो एक हमारा विनर होगा और एक लूजर होगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वन कैंडिडेट 38% वोट्स एंड ही लॉस, मतलब ये जो है वो हारने वाला है। तो हारने वाले ने कितना वोट लाया, 38%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप से आज तक जो भी एजुकेशन में डिफरेंट एग्जाम दिए हैं, लेकिन सभी का मार्क्स अलग है, लेकिन हमेशा वो कंपैरिजन कहाँ से होता है, 100% से। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हो ऑनलाइन, अगर कोई भी परचेज करते हो तो आप देखते हो कि डिस्काउंट का, सबसे पहले हम डिस्काउंट देखते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो सामान का रेट भले ही अलग अलग होता है, लेकिन हम उसे हमेशा 100% से कंपेयर करते हैं। परसेंटेज का एक छोटा सा ये चीज़ें सभी को समझ में आनी चाहिए कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो जितने भी वोट होंगे वो 100% होगा। हारने वाले ने 38% लाया, तो आप जीतने वाले के बारे में कह सकते हो कि अगर हम 100 में से 38 माइनस कर देते तो कितना आ जाता, 62। इसका मतलब जीतने वाले ने कितना परसेंट लाया, 62%। अब ये कहता है कि ये 38% लाया है और वो 7200 वोटों से हार गया, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये इंसान 7200 वोटों से हारने का मतलब है कि हारने वाला जो है वो जीतने वाले से 7200 वोट कम लाया है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर इसने परसेंट में कितना कम लाया है। तो अगर हम माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2, 24%। तो ये हारने वाला जो है वो 24% कम लाया है, तो यही 24% क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर हम 1% फाइंड कर लें तो 1% क्या हो जाएगा, 300। तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा हमारा 30,000, और 30,000 ही क्या है, टोटल वोटों की संख्या है। यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में हम हमेशा देखते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो कितने परसेंटेज का है, तो उसी से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बना लेंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% वोट्स वर इनवैलिड। अब हुआ क्या, यहाँ पे कह रहा है कि एक इंसान ने 55% वोट लाया है, लेकिन किसका, टोटल का नहीं, टोटल वैलिड वोट का, एंड 20% वोट
वर इनवैलिड इफ द टोटल वोट्स आर 5500। यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 5500 थी, लेकिन हुआ क्या, जब 5500 लोग वोट देने आए जिसमें से 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कई बार होता है कि वोट देने जाते मशीन का जो बटन है वो अच्छे से प्रेस नहीं हो पाया, तो उसका वोट क्या होता है, काउंट नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वोट हमारा क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब यही है कि 5500 लोगों ने वोट दिया लेकिन 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। 20% वोट अगर इनवैलिड हो गया है तो, और ये कह रहा है 20% इनवैलिड होने के बाद जितना वोट बचा वो क्या था, वैलिड था। अब ये इंसान जो है वो वैलिड वोट का कितना लाता है, 55%। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड गेट द अदर पर्सन। अब जो इसमें दूसरा इंसान था उसे टोटल कितना वोट मिला और वो भी वैलिड वोट का, तो वही हमें बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल वोट कितना था, 5500। तो 5500 वोट में इसका हुआ क्या, 20% वोट जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब इसका 20% तो खराब हो गया। अगर 20% इनवैलिड हो गया तो आप कह सकते हैं कि बचा कितना होगा, तो बचा कितना होगा, 80%। तो 80% को हम चलो लिख लेते हैं 80/100, या फिर इसका क्या करते हम 80% का फ्रैक्शन भी लिख सकते थे 4/5। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि 5500 का 20% खराब हो गया तो बचा 80%। अब इस 80% में ये जो वोट अभी तक बचा है यही क्या बचा है, अभी यहाँ से यहाँ वैलिड वोट बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब वैलिड वोटों का जो जीतने वाला इंसान है, जो विनर है हमारा, उसे कितना मिल जाता है, 55% मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हारने वाले को कितना मिला होगा, अगर जीतने वाले को 55 मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45। क्योंकि ये नंबर जो बचा है ये भी अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया है। मैंने समझाया अभी एक चीज़ है, जैसे आप 10th में आपने एग्ज़ाम दिया, हो सकता है वो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, अलग अलग एग्ज़ाम में भी आपका अलग अलग मार्क्स था, वो भी परसेंटेज पे काउंट हुआ, और एक बार आपका जो परसेंटेज बना वो सभी सब्जेक्ट को काउंट करके बनाया। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ये 5500 भी अपने आप में 100% था लेकिन 20% वोट खराब हो गया, तो ये भी अपने आप में 100% है। अब इस वैलिड वोट का एक इंसान 55% ले जाता है तो दूसरा कितना ले जाएगा, 45%। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45%, मतलब वैलिड वोट का 45% ही मिला। अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं 0000, चलो एक जीरो और कैंसिल हो गया, 5 से ये 9 टाइम में, 5 से ये 2 टाइम में, और 2 से ये कितना, 4 टाइम में। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 2 और इसका 5 निकाल लेते हैं, 11 × 2 = 22 × 9 कितना आ जाएगा, 1980। इसका मतलब दूसरे वाले को, जो हारने वाला कैंडिडेट है, उसे कितना वोट मिला, 1980 वोट मिला, और 1980 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है और उसका बनाने का अप्रोच क्या होगा। देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। यहाँ भी दो कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 8% ऑफ वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड बोन बाय 1100 वोट, फाइंड द टोटल वोट्स। अब यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 8% लोगों का वोट काउंट ही नहीं हुआ, मतलब वो अच्छे से प्रेस करके ही नहीं आए, जिसके कारण उसका वोट काउंट नहीं हुआ, या चाहे जो करके आए, गए होंगे शायद घूम के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8% लोगों का वोट काउंट नहीं हुआ और जीतने वाले को 48% मिला। आप एक चीज़ें देखो, अगर जीतने वाले को 48 मिला है तो आप कह सकते हैं कि पक्का हारने वाले को तो 48 से कम ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 48 इसे मिला है तो इसे 52 कर लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान 52% ला के हार जाए, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। हुआ क्या है कि 8% स्टार्टिंग में ये वोट काउंट ही नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 8% यहाँ और जीतने वाला 48 लाया है, तो 48 और 8 56% हो चुका है। तो हारने वाला जो इंसान है वो कितना वोट लाया होगा,
44%। अब अगर आप सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिया हुआ था जीतने वाले ने 48% वोट लाया है और वो 1100 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब है कि ये इंसान इससे 1100 वोट ज़्यादा लाया है। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में ये कितना ज़्यादा लाया है, 4%। तो 4% का वैल्यू ही क्या होगा, 1100 होगा। तो हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट। तो टोटल नंबर के लिए हम क्या कर ले, 100% फाइंड कर ले। तो 100% क्या हो जाएगा, आप सिर्फ ये करो कि 4 में 25 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आ जाता है। तो 25 इधर भी कर लेते हैं, 25 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 275 और इस पे 00, मतलब टोटल वोट की संख्या क्या है, 27,500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% द वोट्स पोल वर फाउंड इनवैलिड। अब देखो यहाँ पे क्या केस आ गया, यहाँ पे ये आ गया है कि सबसे पहले कहता है जितने लोग वोट देने गए उसमें से 10% लोगों का वोट काउंट ही नहीं हुआ। पहले तो 10% लोगों का वोट काउंट हुआ ही नहीं, और उसके बाद कहता है कि 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। इसका मतलब उसके बाद जो वोट बचा उसमें से 10% जो है वो इनवैलिड हो गया, मतलब 10% तो काउंट ही नहीं हुआ और 10% जितना था उसमें से भी 10% खराब हो गया। अब कहता है द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब जो जीतने वाला पार्टी है वो क्या करता है, 54% वोट लाया है ऑफ द वैलिड वोट, मतलब जितना वोट अभी तक सही से बचा हुआ है, शुद्ध वोट जो बचा हुआ है उसका 54% ये इंसान ला रहा है, और लाने के बाद कहता है ये जो है वो 1620 वोट से जीत जाता है, ये जो है वो 1620 वोट से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल, मतलब वोटर्स इनरोल, हमें निकालना है कि जितने लोगों का टोटल वोट देना था उन सभी का संख्या बताना है कि कितने लोगों को वोट देना था, चाहे वो इनवैलिड हुए हैं या फिर उसका वोट काउंट नहीं हुआ है, सभी का बताना है। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले कह रहा था कि 10% जो है वो क्या हो गया है, कास्ट ही नहीं हुआ है। तो आप एक चीज़ समझ लो, आप ये कह सकते हो चलो हम मान लिए जो हमसे पूछा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन रोल, हम मान लेते हैं इस बार कि चलो टोटल जो है वो हमारा कितना है, एक्स है, टोटल जो है वो हमारा कितना है, एक्स है। तो हम मान लिए कि टोटल कितने वोटर्स थे, एक्स थे। अब इसमें से हुआ क्या, इस एक्स में शुरुआत में 10% लोगों का वोट काउंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब कितने परसेंट लोगों का काउंट हुआ होगा, 90% का। तो 90% के लिए हम यूज कर सकते हैं 9/10। अब जितना जो बचा इसमें से भी 10% क्या हो गया, 10% यहाँ के बाद जो है वो इनवैलिड हो गया, तो 10% यहाँ इनवैलिड हो गया, तो जितना बचा उसका भी 90%, तो हम कह सकते हैं फिर से आ गया 9/10, मतलब अभी तक जो हमारे पास वोट बचे हैं वो कौन सा वोट है, वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में कहता है कि जीतने वाले पार्टी को 54% मिला है, जीतने वाले पार्टी को 54% मिला है, तो आप कह सकते हैं कि हारने वाले पार्टी को कितना मिला होगा, तो 100 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46%, कितना आ जाएगा, 46। तो ये तो अभी तक वैलिड वोट ही। अब आप एक बात बताओ, जीतने वाले पार्टी को हारने वाली पार्टी से कितना ज़्यादा मिला है, कितना ज़्यादा मिला, 8%, कितना ज़्यादा मिला, 8%। तो आप ये देख रहे थे कि एक्स वोटर्स में से 10% कास्ट नहीं हुआ, फिर 10% इनवैलिड हो गया, तो ये बचा है वैलिड वोट, और वैलिड वोट में ये जो है वो 8% से जीता है, तो 8% का मतलब 8/100, ठीक है, 8% से जीता है, और नंबर दिया हुआ कितने वोटों से जीता है, 1620 वोटों से, तो इक्वल क्या कर लेंगे, 1620। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 9 × 9 81 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20। अच्छा ये 8 से भी कैंसिल, 8 से तो होगा नहीं, तो 4 से कर लेते हैं, ये 2 टाइम में और ये कितना, 5 टाइम में, 2 से एक और कैंसिल कर लेते हैं, 5। तो अगर हम यहाँ से x इज इक्वल टू फाइंड करें तो
तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 = 25 और जीरो कितना आ जाएगा, 000। इसका मतलब टोटल वोट कितना था, 25,000 था। यही चीज़ें हमें बताना है, फिर से एक बार अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को कि टोटल वोटर्स एक्स थे जिसमें 10% जो है वो कास्ट ही नहीं हुआ तो बचा 90% और इसका 10% खराब हो गया, लेकिन जीतने वाला 54% लाकर भी 1620 वोटों से जीत गया। 54 लाया दैट मीन्स हारने वाला 46 लाया होगा, 8% ज़्यादा है, तो इज इक्वल टू यही 8% क्या हो गया, 1620। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 25,000, और 25,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देयर वेयर टू कैंडिडेट्स एंड इन इलेक्शन 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ द विच 2% ऑफ वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। अ कैंडिडेट गोट 9 to 6 1 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड। यहाँ भी यही पूछा है। अब पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, यहाँ भी दो कैंडिडेट थे लेकिन हुआ क्या, कहता है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि 75% वोट ही क्या हो गया है, कास्ट हो पाया है, मतलब 25% लोग आए ही नहीं होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में 75% लोग ही वोट देने आए, 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब कहता है कि 75% लोगों ने तो वोट दिया लेकिन जिसमें से 2% वोट जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, 2% वोट इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ अ कैंडिडेट गोट 9 to 6 1 वोट विच वेयर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, मतलब हम करेंगे क्या, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, मान लेते हैं टोटल वोट हमारा कितना एक्स है। अब एक्स का हम ये देख रहे हैं कि 75% ही लोग आया है, तो अगर हम 75% का फ्रैक्शन वैल्यू रख ले तो क्या आ जाएगा, 3/4। अगर यहाँ ये बताया होता कि 25% कास्ट नहीं हो पाया तब 25 माइनस करके फिर भी 75 ही लिखते, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बता रहा है कि 75% कास्ट हो पाया है, इसका मतलब एक्स का 75% हो गया। लेकिन इसके बाद कहता है कि 2% जो है वो इनवैलिड हो गया, अगर 2% इनवैलिड हो गया तो आप कह सकते हैं कि बचा कितना होगा, 98%, बचा कितना होगा, 98%। तो ये अभी तक हमारे पास क्या बचा, वैलिड वोट बचा है। अब वैलिड वोट का एक इंसान जो है वो कितना लाया है, 75% लाया है, ठीक है, और यही 75% का नंबर दिया हुआ है 9 to 6 1, तो वैलिड वोट का 75, तो 75 का मतलब फिर 3/4 कर लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, 9 to 6 1, तो बस इसे कैंसिल कर लेते हैं, पहले 3 × 3 9 से 9 हो जाएगा 10, उसके बाद 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और उसके बाद 8 1, तो 9 9 81, 1029। देन अगेन अगर हम इसे कैंसिल करें तो किससे कैंसिल कर ले, 49 से कैंसिल होगा क्या, 49 से ये 2 टाइम में 49 2 98 और 4 × 9 121। अच्छा ये 2 और बच रहा है, इस 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 21 × 4 × 8, 21 8 जो क्या होता है 168, फिर 00। इसका मतलब टोटल वोटर्स कितने थे, 16,800, और 16,800 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन 10% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। यहाँ भी कह रहा है कि 10% लोगों का वोट जो है वो काउंट नहीं हो पाया है, 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स बताया है कि 60 वोट जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया है। द विनिंग कैंडिडेट गोट 47% ऑफ द टोटल एंड वन बाय 308। इसका मतलब है जीतने वाले ने 47% ही लाया है, वो भी टोटल का, ठीक है, नोट की वैलिड वोट का, यहाँ पे ये बता रहा है 47% ऑफ द टोटल एंड वन बाय 308, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड, वही वोटर्स इनरोल्ड। तो हमें यहाँ करना क्या है, करेंगे क्या, यहाँ पे आप एक चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 10% लोगों ने वोट
10% लोगों ने वोट नहीं दिया, वही कह रहा है देयर वेयर टू कैंडिडेट, 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, 10% ने दिया ही नहीं। अब कह रहा है जीतने वाले ने कितना लाया है, जीतने वाले ने 47%। फिर देखो हम क्या करेंगे, अगर जीतने वाला 47 लाया तो हम ये कह सकते हैं कि हारने वाला इससे कम लाया होगा, मतलब ये 10 और 47, तो हारने वाले ने कितना लाया होगा, 47 और 10 अगर हम कर ले तो 57, तो ये कितना आ जाएगा, 43%। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है इससे कितने वोटों से जीता है, 4% से जीता है। तो यही 4% का वैल्यू क्या होना चाहिए, 308। तो कर लेते हैं 4% इज इक्वल टू 308। बट अभी तक क्वेश्चन में एक चीज़ें मिसिंग है। मिसिंग क्या है, मैंने इस नंबर को अभी तक यूज नहीं किया। आप ये देख रहे होंगे कहता है 60 वोट वर फाउंड इनवैलिड। तो आप ये देख रहे होंगे कि 10% को मैंने काउंट किया, एक 47 लाया तो दूसरा 43 लाया होगा, तो 60 वोट जो इनवैलिड हुआ है ना, वो करेंगे क्या, बस इनवैलिड को यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसके में से घटेगा, ये हारने वाला में से नहीं घटेगा, ये जीतने वाले में से। तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे कि ये जीतने वाले में से इस नंबर को घटा देते हैं। ठीक है, ये 62 नहीं, ये कितना है, 60 है, 60। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4% इज इक्वल टू, अगर हम 60 माइनस कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 248। तो यहाँ से अगर हम 1% फाउंड कर लें तो 1% कितना आएगा जी, 62। अगर 1% 62 है तो 100% क्या हो जाएगा, 6200। और 6200 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, जो कि टोटल वोटर्स हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में।